गुरुग्राम में अगर आपको अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवानी हो तो अब प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल हो गई है। दरअसल गुरुग्राम के जो उपायुक्त हैं निशांत कुमार यादव, इन्होंने आज एक आदेश पारित किया है। उस आदेश के मुताबिक अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, चाहे आपके पास हेवी बनवा रहे हो या फिर नॉर्मल बनवा रहे हो, तो इसको लेकर आज से सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि अब आपको फर्स्ट एड ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जी हाँ, आप जैसे ही सर्टिफिकेट, पहले आप जाते थे तो आप डॉक्यूमेंट जमा करते थे, टेस्ट पास करते थे, आंखों की हेल्थ चेकअप होता था, आई साइट चेक होता था, और अब इसमें एक और चीजें जोड़ दी गई है कि अब आपको ऑनलाइन आपको एक पूरी प्रक्रिया होगी और फर्स्ट एड का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसको लेकर बड़ा सरल है। आप देखिए, मैं देख रहा हूँ ये पोर्टल है, आप हरियाणा redcross.in इस पे आप जाएंगे और इसके माध्यम से आप ऑनलाइन पूरी आप सीखेंगे, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेंगे और उस ट्रेनिंग के बाद वहां से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑनलाइन आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सर्टिफिकेट आपको जमा कराना होगा। यह जारी किया गया है और देखिए ये हरियाणा के परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार, जो हरियाणा के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, उन्होंने आदेश जारी किया है और उसके मुताबिक अब नया ड्राइविंग लाइसेंस अगर बनवाना चाहते हैं या फिर आपका जो पुराना लाइसेंस चल रहा है उसको भी अगर आप रिन्यू करवाना चाहते हैं तो उसको लेकर जब आप अपने अथॉरिटी में जाएंगे तो अथॉरिटी में जाने के बाद आपको फर्स्ट एड ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है, उसका सर्टिफिकेट लगेगा और उस सर्टिफिकेट के बाद ही आप बनवा पाएंगे। अच्छा, यह दोनों में लगेगा, आप पर्सनल बनवा रहे हैं वो लाइसेंस या फिर कमर्शियल वाहन के लिए बना रहे हैं, इन दोनों में यह बहुत आवश्यक है सर्टिफिकेट। तो अगर आप जा रहे हैं बनवाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस या रिन्यू करवाने जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें और इसको लेकर एक बार फिर आपको बता दें कि जो हरियाणा redcross.in है, पोर्टल है, इस पे आप जाएंगे और इस पर जाकर आप अपनी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करेंगे, एक सर्टिफिकेट लेंगे और सर्टिफिकेट के बाद ही वहाँ टेस्ट के दौरान टेस्ट होंगे और टेस्ट के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। तो जी हाँ, ये नया बदलाव हुआ है और आप ध्यान रखें, अगर आप लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, तो अब इसकी आवश्यकता होगी।